जब भी आपको कोई प्रसाद बनानी हो तो आप इस तरीके से पेड़े को बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही कम चीज़ों से बन के तैयार होता है, बस 2 से 3 चीज़ों से बन जाएगा। तो सिंपल दूध से इस तरीके से आप पेड़े को बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। और अभी तो सावन का महीना चल भी रहा है, तो सावन के महीने में हर सोमवार को भोलेनाथ के लिए हमें प्रसाद बनाना ही होता है। तो आप इस तरीके से एक बार प्रसाद को ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और प्रसाद तो वैसे भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, कोई भी प्रसाद हो। तो जब भी आपको भगवान को भोग लगानी हो, आप इस तरीके से प्रसाद बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूही और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल आयांस किचन में। तो चलिए आज की बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और ये फुल क्रीम मिल्क है। यहाँ पे टोंड मिल्क का यूज़ नहीं करना है, बट अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क नहीं है, आप पैकेट का दूध मंगाते हैं तो जो भी आपके घर में आता है आप उससे बना सकते हैं। अब हम दूध को हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो कोई भी एक मोटे तले की कढ़ाई में हमें दूध को गर्म करना है और इसी में हम पेड़े बनाएंगे। इससे तले में चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छा हमारा पेड़ा बन के तैयार होगा। तो गैस का फ्लेम हाई रखें और इसमें एक उबाल आने दें। यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो दूध को अच्छे से मिला लेना है और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है और इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें पकाना है। इसे एकदम गाढ़ा करना है, कितना पकाना मैं आपको बताऊंगी आगे। तो बस बीच बीच में चलाते रहो, इसे ध्यान दें कि दूध ऊपर से गिरे नहीं। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें जिससे हमारा जो पेड़ा है जल्दी बन जाएगा। अगर लो फ्लेम पर बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बस इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाते रहें और लगातार चलाते रहें ताकि दूध हमारा गिरे नहीं, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसे पकाते हुए थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी कम हो गई है और दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो बस इसे ऐसे ही लगातार चलाते रहें। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो साइड में मलाई जमती जाएगी ना, उसे हमें इसी में छुटाते हुए मिक्स करना है, तभी तो जो हमारी मिठाई है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो साइड में मलाई को हमेशा छुटाते हुए इसे मिक्स करते जाए जैसे ही मलाई इसमें जमती जाए। और अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 3/4 कप हम इसमें डाल देंगे चीनी, यानी कि 3/4 कप। और अगर आप यहाँ पे मिश्री डालना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 कप मिश्री डालना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें और इसे पकाना है हमें। कितना पकाना है मैं आपको बताऊँगी आगे। अभी हमने इसमें चीनी डाला है तो थोड़ा सा इसकी जो कंसिस्टेंसी वो पतली हो जाएगी, तो हमें इसे फिर से और गाढ़ा करना है। और जब तक हमारा ये बनके तैयार हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं, मैंने और भी प्रसाद की रेसिपी शेयर की हुई है। केसर पेड़ा कैसे बनता है, मावा लड्डू कैसे बनता है, वो सारी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। वो भी बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो उसे भी जब भी आपको कोई प्रसाद बनाने हो तो आप उसे भी बना सकते हैं। अलग अलग प्रसाद बना के हमें चढ़ानी भी चाहिए, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। आप उसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा, वो भी आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो चलिए इसे इसी तरीके से मिक्स करते हैं और इसे पका लेते हैं। और चीनी डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें या फिर आप मीडियम भी रख सकते हैं और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो बस इसे इसी तरीके से चलाते रहना है और साइड में जो मलाई जमती जाएगी उसे हमें इसी में मिक्स करते जाना है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, जब इस कंसिस्टेंसी की हो जाए तो बस इसके बाद हमें 1 मिनट और पकाना है, उसके बाद गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट तक पका लिया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट को देसी घी से ग्रीस किया है, यहाँ पर देसी घी का यूज़ करना है क्योंकि हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं। तो अब हम इस सारे मावे को इस प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो इसे एक बार इस तरीके से मिक्स कर लिया और इसे बीच बीच में मिक्स कर सकते हैं आप, और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने इसे ठंडा कर लिया है, यहाँ पे ये ठंडा हो गया है। अब हम चलते हैं इसके पेड़े बनाने के लिए। तो पहले इसे एक बार मिला लेंगे। तो इसे मैंने मिला लिया एक बार, और यहाँ पे मैंने कटोरी में थोड़ी सी देसी घी ले ली है हाथों पे ग्रीस करने के लिए। और यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर ले लिया है, यानी पिसी हुई चीनी। अब हम हाथों पे थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे जिससे ये चिपकेगा नहीं। और छोटे छोटे हम इसके लोई बनाएंगे, यानी छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो जितनी बड़ी साइज़ में आपको बनाना है उतना आप बना सकते हैं, मैं ऐसे ही मीडियम साइज़ में बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें पहले लड्डू का शेप देना है और उसके बाद हमें इस पाउडर शुगर में एक बार कोट करना है।
तो एक बार इस तरीके से कोटिंग कर दें इसमें। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से इसकी कोटिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। और अभी जो लड्डू के ऊपर शुगर पाउडर लगा हुआ है, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो लड्डू है ना सारे पाउडर शुगर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये देखिए मैंने बोला था ना सारा पाउडर शुगर लड्डू एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी तरीके से हमें सारे लड्डू को बना के पहले एक प्लेट में रख लेना है। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू को बना के एक प्लेट में रख लिया है। अभी हम इसे पेड़े का शेप देंगे। तो पहले इस तरीके से लड्डू को बना लेना है। अब हम एक लड्डू लेंगे और इस तरीके से इसे हाथों पे पहले एकदम गोला शेप देंगे और थोड़ा सा इसे हम दबाएंगे। हल्का सा हमें दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। और उसके बाद हम इसके ऊपर पाउडर शुगर का कोटिंग करेंगे। तो इसे थोड़ा सा इसमें डाल के इसकी अच्छी सी कोटिंग कर दें। तो इस तरीके से हमें पाउडर शुगर लगा देना है। और ये देखिए हमारा एक बहुत ही अच्छा सा पेड़ा बन के तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है। इसी तरीके से हम बाकी भी पेड़े को बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बना लिया है, हम चलते हैं बाकी पेड़े को बना लेने के लिए। तो यहाँ पे पेड़ा मैं अपने रूम में ही बना रही हूँ। तो बस इसी तरीके से हम पहले पेड़े को एक गोला शेप देंगे अच्छे से, और उसके बाद हम थोड़ा सा हथेलियों पे इसे दबाएंगे और उसके बाद शुगर पाउडर हम इसके ऊपर कोट करेंगे और ये हमारा पेड़ा यानी कि प्रसाद बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे पेड़े को बना लेंगे। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही कम चीज़ों में, बस 2 से 3 चीज़ों में बन जाता है। तो ये देखिए हमने सारे पेड़े को बना लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से रोज पेटल्स डाल देंगे जिससे ये देखने में और भी अच्छा लगे। आप गार्निशिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बस सिंपल इसी तरीके से कर दिया है जिससे देखने में और अच्छा लगे। तो ये हमारा प्रसाद बन के तैयार है। तो जब भी आपको किसी भी भगवान के लिए प्रसाद बनानी हो तो आप इस तरीके से इस पेड़े को ज़रूर ट्राई करें। और बाहर से तो कभी भी ना मंगाएं, क्योंकि बाहर कैसे बनाते हैं और क्या मिलाते हैं हमें पता नहीं होता है। और घर पे हम जब कोई चीज़ बनाते हैं तो वो शुद्ध होता है, सफाई से हम बनाते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसी लगी कॉमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।